सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, जो कि आने वाले सभी जीके जीएस बेस्ड एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए और लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और एजुकेशनल वीडियो को देख रहे हैं तो फटाफट नीचे रेड सब्सक्राइब बटन से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि चूहों को मारने के में विष का रासायनिक नाम क्या है। तो चूहों को मारने में हम जिस विष का उपयोग करते हैं उसका नाम क्या है, उसका रासायनिक नाम क्या है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंक फॉस्फेट। चूहा मारने की जो जहर होती है उसका रासायनिक नाम है जिंक फॉस्फेट, आप लोग इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन थोरियम का अयस्क है। तो थोरियम का इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो अयस्क है। तो थोरियम का अयस्क होता है मोनोजाइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु का, अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दांत एवं मसूड़े में होने वाले रोग क्या कहलाते हैं। तो दांत और मसूड़े में होने वाले रोग कहलाते हैं स्कर्वी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरे से अल्कोहल प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं। तो सिरे से अल्कोहल प्राप्त करने की जो विधि होती है उस विधि को कहते हैं किण्वन प्रोसेस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो ऐसा कौन सा पौधा सबसे तेजी से बढ़ता है, तो होता है यूकलिप्टस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा कौन सा अम्ल होता है। तो अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समुद्री शैवाल में कौन सा पदार्थ उपस्थित रहता है। तो समुद्री शैवाल में उपस्थित रहने वाला जो पदार्थ है वह है आयोडीन, क्योंकि समुद्री नमक खारा होता है और उसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सुदूर फोटोचित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती है। तो दूर का फोटोचित्रण करने के लिए प्रकाश की जिस रे का हम लोग उपयोग करते हैं वह है इन्फ्रा येलो किरणें, ऑप्शन डी इज ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका डी, इन्फ्रारेड जो वे रेज होती है वह इसका हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी तरल पदार्थ की बूंदों का गोलाकार रूप ग्रहण करने का मुख्य कारण कौन सा है। तो जितने भी बारिश की बूंदें होती है वह गोलाकार क्यों होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डॉक्टर जो आला लगाते हैं वह उसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है। तो वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वह करता है ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी गेहूँ की है। तो गेहूँ में कौन सा बीमारी लगता है, तो गेहूँ में लगता है कड़ुआ रोग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कैंकर रोग किस फसल का रोग है। तो कैंकर रोग जो है कौन सी फसल में लगता है, तो कैंकर रोग लगता है धान में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कपास में होने वाला रोग का नाम क्या है। तो कपास में कौन सा रोग होता है, तो होता है ब्लैक आर्म, ब्लैक आर्म रोग कपास में होता है, इसे आप याद रखेंगे, कई एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय के द्वारा कौन सी औषधि प्राप्त होती है। तो चाय के अंदर पाई जाती है थीन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कवक से प्राप्त होने वाले औषधि को क्या कहते हैं। तो कवक से प्राप्त होने वाले औषधि को कहते हैं एट्रोपिन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सेरीकल्चर द्वारा किस फसल का उत्पादन किया जाता है। तो सेरीकल्चर द्वारा रेशम का उत्पादन किया जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मत्स्य उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो मत्स्य उत्पादन जो किया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं पीसी कल्चर, पीसी कल्चर को आप लोग याद रखेंगे मत्स्य उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अंगूर का उत्पादन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो अंगूर के उत्पादन या अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो वीटी कल्चर, ऑप्शन ए इज द इसका राइट आंसर हो जाएगा वीटी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मैरी कल्चर के द्वारा किसकी खेती की जाती है। तो मैरी कल्चर के द्वारा समुद्री जीवों के उत्पादन की जाती है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रोजर बेकन ने किसकी खोज की थी। तो बारूद की खोज की थी रोजर बेकन ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है बायोगैस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसा गैस या फिर ऐसा स्रोत ऊर्जा का जो कि खत्म हो सकता है भविष्य में, उसे कहा जाता है गैर पारंपरिक स्रोत, और पारंपरिक स्रोत ऐसा होता है जिसे हम बार बार उत्पादन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के टॉन्सिल में किसका निर्माण होता है। तो हमारे शरीर का जो टॉन्सिल होता है उसमें निर्माण होता है एंटीबॉडी का, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है
वह किस चीज से होती है? तो एथलीट फुट नामक जो बीमारी होती है वह बैक्टीरिया से होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्यूसेक से हम किसे मापते हैं? तो क्यूसेक से मापा जाता है जल के प्रवाह को, वाटर के फ्लू को हम लोग क्यूसेक से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना केल्विन में होता है? तो मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो वह 310 केल्विन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा प्रकाश सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य जिस रंग के प्रकाश का होता है वह होता है बैंगनी रंग, और सबसे अधिक होता है लाल रंग, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला अन्न कौन सा है? भारत में सबसे अधिक उपयोग आने वाला अन्न का नाम है चावल, सबसे ज़्यादा चावल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का रसायन सामान्य रक्त शुगर कितना होता है? तो ब्लड में शुगर का जो लेवल होता है वह एक व्यस्क आदमी एक स्वस्थ आदमी के लिए कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 से 150 मिग्रा पर डेसीलीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप याद रखेंगे, कई एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी के कारण मसूरों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी के कमी के कारण मसूरों से खून आता है और दांत हिलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा जीव अपनी आंखों के रूप में ध्वनि का प्रयोग करता है? ऐसा कौन सा जीव अपनी आंखों से ध्वनि का प्रयोग करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिजैविक किस कवक से प्राप्त होता है? तो एंटीबायोटिक जो होता है वह जिस कवक से प्राप्त होता है उस कवक का नाम है पेंसिलिन। पेंसिलिन जो है वह फंगस से प्राप्त होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, जिसका आंसर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे कि फ्रियोन गैस जो होता है उसका मुख्य उपयोग क्या होता है और कहाँ हम लोग दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं? अगर आप ध्यान से हमारी सारी जनरल साइंस की वीडियो को देख रहे होंगे तो आप जरूर इसका आंसर कर पाएंगे। बाकी सभी वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। उम्मीद कर रहा हूँ यह वीडियो आज की आपको लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, तो इसे ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।